प्रधानमंत्री ने कुछ देर पहले दो मैसेज शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री ने अपने दो मंत्रियों की स्पीच अपलोड की है और ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कश्मीर और किसान के नाम पर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री ने आंदोलनजीवियों से सावधान रहने को कहा था, लेकिन आज मोदी के मंत्रियों ने सख्त भाषा में देश को नाम लेकर बता दिया कि ये आंदोलनजीवी है कौन। रिपोर्ट देखेंगे, पूरी बात समझ जाएंगे। किसान आंदोलन के नाम पर एक नया प्रयोग शुरू हुआ है, मोदी विरोध का किसान सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश। जब आंदोलन कमजोर पड़ने लगा तो किसान नेताओं ने सियासी दलों का समर्थन दिया। इसका असर यह हुआ कि अब हर नेता किसान आंदोलन की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहता है। नेताओं को लगता है कि ट्रैक्टर पर बैठकर, किसानों की पगड़ी पहनकर, हमदर्दी के दो शब्द बोलकर, फोटो खिंचवाकर किसानों के मसीहा बन जाएंगे। राहुल गांधी ने राजस्थान में दो दिन तक यही एक्सपेरिमेंट किया। सचिन पायलट और अशोक गहलोत महापंचायतों में भीड़ जुटा रहे थे और राहुल गांधी कृषि कानूनों के नाम पर फिर किसानों को गुमराह कर रहे थे। पिछले तीन दिनों से एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। अजमेर में राहुल ने कृषि कानून को किसान और मजदूर विरोधी बताया तो नागौर में किसानों को मोदी के खिलाफ भड़काया। पहले कानून का लक्ष्य मंडी को खत्म करने का, मंडी की हत्या करने का है। दूसरा कानून देश में अनलिमिटेड जमाखोरी चालू करने का कानून है। और तीसरा कानून कहता है कि अगर कोई भी किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो वो अदालत में नहीं जा पाएगा। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि जो आपका है, जो 40% हिंदुस्तान का है, वो सिर्फ दो लोगों के हाथ में चला जाए। और हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आप कानून वापस लीजिए और देश का सब हर एक किसान आपसे बात करेगा। आप किसान के घर में डाका डाल रहे हो, आप उसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, आप जो उसका है उससे छीन कर हम दो हमारे दो को देने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप कहते हो किसानों से मैं बात करने को तैयार हूं। कोई किसान आपसे बात नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की, राहुल गांधी के आरोपों पर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया और उन्हें हम दो हमारे दो की नई परिभाषा भी बता दी। मैंने सोचा वो खड़े होकर के ये बात बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी आपने तो स्मॉल फार्मर्स के ऊपर इतना अच्छा बोल दिया, मैंने मेरे अपना दो से बोल दिया प्लीज जमीन वापस कर दो फार्मर्स को, क्योंकि हम तो सस्ते में उनसे ले लिया मगर ये किसान का जमीन है, हम खड़े होना है, राजनीति में है, इसीलिए राजनीति के हमारे परिवार हम और मैं खड़े होना है, आप जमीन वापस कर दो जी। और इधर हार करके बोल सकते थे हम दो हमारे दो में दामाद को मैंने आदेश करके आई हूं कि जमीन वापस करो, नहीं किया, वो भी नहीं हुआ। मेरा एक्सपेक्टेशन वो 6 था सर, नहीं हुआ। किसान तो जम्मू कश्मीर में भी है, वहां भी अनाज की फल सब्जियों की पैदावार होती है और जम्मू कश्मीर की सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, कश्मीर के लोगों को विकास के रास्ते पर कैसे ले जा रहे हैं, इसका ब्यौरा आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिया।
लेकिन सियासत करने वालों ने यहाँ भी हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढ लिया। जब कुछ कहने को नहीं मिला तो ओवैसी ने कहा कि चूंकि कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है इसीलिए वहाँ मुस्लिम अफसर ज्यादा होने चाहिए। अमित शाह ने ओवैसी से कहा, आपको हर चीज में हिंदू मुसलमान ही दिखता है। हर एक व्यक्ति को एक ऐसी रियासत जहां पर मुसलमान तनासुब में ज्यादा है मगर पहले से अफसरशाही में उनका तनासुब बहुत कम था। मैं आपका आदाद शुमार आपके सामने रखता हूं सर, 24 सेक्रेटरी के पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 5 कश्मीरी मुसलमान हैं, 58 आईएएस के पोस्ट में सिर्फ 12 मुसलमान है यानी 17.24। 2011 की मर्दुमशुमारी के मुताबिक सर जम्मू कश्मीर में 68.31 मुसलमानों की आबादी है और 28% हमारे हिंदू भाइयों की आबादी है। मगर अगर आप देखेंगे टायर 2 में सर दूसरे दर्जे के 523 इंतजामी अफसरान जिसे कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्विस कहते हैं, 220 यानी 523 में से 220 यानी 42.6 कश्मीरी मुसलमान हैं। आईपीएस में आ जाइए सर, 66 पोस्ट हैं जिसमें से सिर्फ 7 मुसलमान हैं। दूसरे दर्जे के अफसरान में 248 में 108 यानी 43.54% मुसलमान हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। जहां पर विशेष प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव परिस्थिति होती है, वहां पर अफसर भेजने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं। जो अफसर एडमुट केडर के हैं वही मसूरी की जगह पे ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जम्मू कश्मीर केडर के लोग पहले लिया करते थे। ये ऑल इंडिया केडर है मान्यवर और ओवैसी साहब इसका हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। भाई आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूं ओवैसी जी आपको, मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दे, क्या कंसेप्ट है आपका? एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता। किस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं? अफसरों की संख्या हिंदू मुस्लिम में बांटेंगे और अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? काय का सेक्युलरिज्म? हिंदू मुस्लिम में अफसरों की संख्या बांटेंगे। दूसरा कानून कहता है। इधर राहुल गांधी की इस टेम्पलेट को उनके नेता भी फॉलो कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक में किसान आंदोलन के नाम पर महापंचायत हो रही है, रैली निकाली जा रही है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना साधने का काम हो रहा है। इसी तरह अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस नेताओं ने लोगों को सड़कों पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मुरैना के सबलगढ़ में आज महापंचायत, रागौर से विधायक और दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मौजूद थे। कहा गया कि कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन की धार तेज करेगी। जो किसान जो इस देश का अन्नदाता है उनको भाजपा सरकार देशद्रोही कह रही है और उल्टे जो दलाल हैं बीच में वो देशभक्त हैं, यही भाजपा का हमेशा खेल रहा है। भाजपा इतिहास गवाह है, भाजपा की सरकार जब भी रही है तो नुकसान हुआ है किसानों का, और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता सबलगढ़ में महापंचायत कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि हम पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी चाहते, राहुल गांधी किसान कानून के सहारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचने का सपना देखने लगे हैं। तो वहीं जिन राज्यों में चुनाव है वहां भी किसान कानून के नाम पर बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की रैलियों में ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई लीडर्स लगातार कृषि कानूनों की बात करते हैं, इन्हें काला कानून बताते हैं। ममता तो रैली में कह रही है कि वो किसानों की जमीन को आँच नहीं आने देंगी। दीदी ऐसे बहुत अच्छा है, सच्चा बात करेगा, लेकिन दीदी को टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। অনেক কষ্ট করে আমরা রাজনীতি করি, আন্দোলনজীবী বলে আন্দোলনকারীদের গালাগালি দিচ্ছে। আমি নিজে আন্দোলন থেকে লড়াই করে এসেছি, আমি এখনও স্ট্রিট ফাইটার, আমি মনে করি আমি রাস্তায় ফাইট করি, এটা আমার বড় পরিচয়, এটা আমার গৌরব, আমি এখনও সে গৌরব হারাতে চাই না। আর অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে পর্যন্ত আমি এটাই করে যাব। আলু গোবির আলোর দম দিয়ে কৃষকদের ধন লুট করে, কৃষকদের জমি লুট করে, কৃষকদের খেতি লুট করে, কৃষকদের সবজি লুট করে, আমার ধর্ম কেড়ে নিয়ে, আমার মায়ের সম্মান কেড়ে নিয়ে, আদিবাসীদের উপর অত্যাচার করে, দলিতদের উপর অত্যাচার করে, শুধু বাংলা 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 সারাক্ষণ গালি দিয়ে চলেছে, যেন বাংলা কত একটা অপরাধ করে ফেলেছে।
बंगाल में किसान आंदोलन पर नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर हरियाणा में भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अब तक तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आंदोलन के चलते बैकफुट पर थे, लेकिन आज दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात के बाद मनोहर लाल खट्टर का अंदाज बदल गया। मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया कि किसान आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है वो दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। राज्य सरकार नया कानून ला रही है। किसान आंदोलन की भी चर्चा हुई थी, उसमें भी जो कुछ जानकारी हमारे पास थी सबको बताई है। हर एक जगह पर इस प्रकार से जो ये निर्णय हो रहे हैं, जो पंचायत हो रही है, उस सारे विषय में जानकारी को दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार निर्णय दिया था, कभी भी किसी को भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये हम उस कानून को इस अगले सत्र में लेकर के आ रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुँचाएगा भरपाई उसकी उठाएगी। किसान नेताओं के सामने भी आंदोलन को बचाए रखने की चुनौती है, इसीलिए हर कोई अपनी तरफ से जोर लगा रहा है। किसान आंदोलन को किस तरह ऑक्सीजन मिलती रहे ये जुगाड़ लग चुका है। नए नए प्लान सेट हो रहे हैं, कभी टोल प्लाजा फ्री करने की बात होती है तो कभी कुछ और। किसान आंदोलन के नए कैलेंडर जारी हो रहे हैं। राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर छोड़कर महापंचायतों में शामिल हो रहे हैं और सिंगू बॉर्डर पर भीड़ को जुटाने वाले नेता पंजाब में महापंचायतें कर रहे हैं। दो दिन पहले पंजाब के जगराओं में किसानों की भीड़ जुटी। बलबीर सिंह राजेवाल ने इसे लीड किया था और आज गाजीपुर बॉर्डर आकर इन किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया कि अब पूरे देश में महापंचायतें की जाएंगी, किसान आंदोलन जारी रहेगा। अभी सारे देश में, सारे उत्तर भारत में खासतौर पर, सारे देश में, महाराष्ट्र में भी अगले दिनों में रैलियां होने वाली हैं और गुजरात में एक हुई भी है और बाकी अगले दिनों में जहां जहां भी रैलियां होंगी आपको सबको बता दिया जाएगा। कल को करनाल रैली है, 11 तारीख को पंजाब में एक दिन के नोटिस पे जगराओं में रैली हुई जिसमें लाखों किसान, 9 तारीख को डिक्लेयर हुआ, 11 को रैली थी, लाखों किसान इकट्ठे हुए। इसका मतलब है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया और घर घर में इसका सरकार के जो फैसले हैं उनका विरोध चल रहा है। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब सरकार इस आंदोलन को दबा नहीं सकेगी, चाहे आगे आने वाले दिनों में फसल की कटाई का मौसम आ रहा है, मौसम बदल रहा है, लेकिन किसानों ने गांव गांव में तय कर लिया है, जो यहाँ बैठेंगे उनका काम उसके गाँव के लोग करेंगे, फसल लोग काटेंगे और यहाँ जत्थे बदलते रहेंगे, आंदोलन बंद नहीं होगा। एक तरफ जब हम मीटिंग में जाते हैं और MSP पे बात शुरू करते हैं तो सरकार चक्कर काट जाती है। 3-4-5 बार हमने बात शुरू की और उन्होंने बात से किनारा किया और अमित शाह जी ने तो एक ही मीटिंग उनके साथ हुई और उसमें ये कह दिया कि MSP पे खरीद नहीं सकते। MSP देना और चीज़ है, तय करना और चीज़ है, लेकिन MSP पर खरीदना और चीज़ है। ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम जीत के नहीं जाएंगे, जब तक हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। हमारे फैसले सारे वहाँ पे ही होते हैं शंघू पे, और जो मोर्चे के लोग हैं वो पूरा फैसला लेते हैं, कमेटी के लोग, और पूरा बॉर्डर पूर्ण रूप से साथ में है और जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वे वहाँ से ही तय होते हैं, कहाँ जाना है किस आदमी को वहाँ से तय होते हैं, और जो भी 18 तारीख तक का 23 तक के जो प्रोग्राम लगे हैं उन पर सब पे हम काम कर रहे हैं। आंदोलन कैसे चलेगा उस पर पूरी रणनीति हम अपने लोग बनाते हैं और आंदोलन पूरी मजबूती से चलता रहेगा। न किसान को हताश होने की जरूरत है, हम रेल में सब उधार तार देंगे, न किसान को हताश। राकेश टिकैत की बातें सुनकर लगा कि किसान इतने लंबे आंदोलन से थक रहे हैं, हताश हो रहे हैं, इसीलिए अब 18 फरवरी को रेल रोको अभियान के साथ 23 फरवरी तक राजस्थान में 3 महापंचायतों का ऐलान हुआ है। मकसद यही है कि किसी तरह आंदोलन की ऊर्जा बरकरार रखी जाए, किसानों को किसी तरह बॉर्डर पर बैठा कर रखा जाए।